और ये बिटिया है। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। थैंक यू सो मच। एंड टुडे वी आर शोइंग यू ए पाइथन। और जैसे ही ये पानी देख लेगा तो ये बहुत एक्टिव हो जाएगा, एकदम पीछे झाड़े झाड़े एकदम ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। हम इसको छोड़ेंगे अभी, रुको रुको, यहाँ आगे दलदल ही है। विपिन जी भी आए हुए हैं हरियाणा से, हिसार हरियाणा। भाभी आई हैं, ये बेटा है और ये बिटिया है। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। एंड टुडे वी आर शोइंग यू ए पाइथन, इंडियन रॉक पाइथन। वी आर वेरी मच एक्साइटेड टू सी पाइथन। या मोस्ट वेलकम। वो देखिए आगे 16 किलो का पाइथन है जिसे उसके घर पहुंचाने आए हैं। हाँ चल पार कर। हेलो भाई, व्हाट इज योर नेम? हैंडशेक कर। कम कम विद मी। सर ये जो है ना वो जो मट्टी दिख रहा है उसमें किंग कोबरा के अंडे थे। अंडे? हाँ सर। अच्छा वो जो जो इसमें से। अच्छा ये कैसे कैसे मालूम है कि थे? छिलका निकला हुआ। अच्छा ये जो मिट्टी है इसमें किंग कोबरा के अंडे थे। ये सामने नहीं आएगा। तो रजक भाई, तो साथियों अभी मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ इस सांप को यहाँ पर छोड़ने के लिए। और ये सांप जो है एक इंडियन रॉक पाइथन है, आपने इसका रेस्क्यू का वीडियो भी देखा होगा। तो अभी इसको हम यहाँ पर छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर एक लेक है और ये लेक जो है पानी जो बारिश होता है, बारिश से इसमें पानी जमा हो जाता है तो ये जानवरों के पीने के लिए काम आता है। तो यहाँ पर छोटे छोटे हिरन माउस डियर वगैरह जो भी प्राणी होते हैं जो पानी पीने के लिए आते हैं वो उनका शिकार करके तो आहार की पूर्ति जो है वो यहाँ पर पूरी हो सकती है इस सांप की। तो इसीलिए हम इस जगह पर इसको छोड़ेंगे। आप बने रहिए वीडियो में, किस तरीके के एक दैत्याकार सांप को हम छोड़ रहे हैं आपको देखने के लिए मिलेगा। और हमारे साथ आज रजाक भाई हरियाणा से भी मेहमान आए हैं, तो बहुत सारे लोग हैं। हम वीडियो इस साइड बना रहे हैं लेकिन पीछे पूरी दर्शक की एक वो है, लाइन लगी हुई है। ये देखिए, ये जिनके घर में आया था, ये रघुवीर अन्ना है, ये उनकी बिटिया है पीछे, ये उनका बेटा है, ये आए हैं हमारे गोवा से भाई विपिन जी, भाभी और बच्चे। आज इनकी एनिवर्सरी है तो ये एनिवर्सरी गिफ्ट है ये पाइथन। लाइव शो। वो कादर भाई खड़े हुए पीछे, गिरीश अन्ना लगे हुए वीडियो बनाने में, मोजस भाई और ये रघुवीर अन्ना के भाई हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, 16 किलो का ये इंडियन रॉक पाइथन है। आराम से आराम से। हमारा क्या काम रहता है कि इन जीवों को इनके नेचुरल वातावरण में छोड़ दिया जाए ताकि ये सेफली अपना जीवन यहाँ व्यतीत कर सके, क्योंकि इन्हें बड़ा खतरा रहता है। जैसे ही मानव बस्ती में आते हैं तो हो सकता है कि मानव इनको मार भी दे, लेकिन हम लोग इन्हें रेस्क्यू करके नेचुरल जंगली वातावरण में छोड़ देते हैं। खींच लो, आने दो, बाहर आने दो, बाहर आने दो, खींच लो। तो साथियों हम लोगों ने इसको यहाँ पर छोड़ा है। देखिए ये पाइथन है, ये करीबन 10 फीट का है। तो मैं इसका सर फिर से होल्ड करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, तो मैं यहाँ पर जब इसको रेस्क्यू किया था तो बहुत लोग कह रहे थे कि इसके दांत कैसे होते हैं, तो दांत दिखाने के लिए लोगों का डिमांड थी। तो मैं इसके दांत दिखाना चाहता हूँ। तो इसके दांत दिखाने के लिए किसी लकड़ी का सहारा लेना पड़ेगा। आ जाओ, आ गया, आ जाओ। इसको समाधान से और शांति से इसके दांत दिखाता हूँ। मैं बताया था ना सर आपको, इसको लकड़ी पकड़ और ऐसा पकड़, इसको पकड़, ये लकड़ी को ऐसा पकड़,
तो अभी मैं आपको बताया था ना ये इसका ये डिसलॉकेट होता है ये वाला, जब ये किसी को खाता है तो ये इसके सांस लेने की नली है तो इससे सांस लेता है, जब किसी जानवर को ये जब निगलता है तो ये सांस नली बाहर आ जाती है और ये भी इसका डिसलॉकेट हो जाता है यहाँ का हिस्सा, ये अलग अलग हो जाता है और इसके बीच में देखिए ये भी दांतों की एक लेयर है एक दो जो सिलाई मशीन में कपड़े को आगे खींचने की तरफ खिसकाने के लिए होती है सिलाई मशीन में उस तरीके का ये काम करते हैं। जैसे इसके अंदर इसका शिकार जाता है तो ये दांत से ये अंदर की तरफ खींचता है उसको, ये मूवेबल होता है दांत ये वाला, ये आगे पीछे होता है, ये देखिए आगे हो रहा है, ये देखिए दांत है इसके अंदर, ये आगे पीछे होता है, इसमें दांत है, ये ऐसा ऐसा आगे पीछे होके ये किसी भी शिकार को मुंह के अंदर, मतलब एक बार अगर इसके मुंह में और पकड़ में कोई आ जाए तो वो बाहर आ नहीं सकता, नहीं आ सकता, इसीलिए कहते हैं पाइथन नॉन पॉइजनस है, लेकिन इसका जो वुंड है इसके काटने का जो वुंड है बहुत खतरनाक होता है और उसको इसकी आंखें भी दिखाते हैं, गोल्डन आंखें दिख रही है इसकी, ये देखिए आपको दिख रहा है क्या ब्यूटीफुल है, ये आपको दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, सब लोग इधर देखो, यहाँ पे लुकिया आदि लुकिया, कैप पड़ो, कैप पड़ो, टेक ऑफ योर कैप, यस सर तुम्हें आओ पकड़ो, उठा उठा ऊपर ऊपर, और जैसे ही ये पानी देख लेगा तो ये बहुत एक्टिव हो जाएगा एकदम, पीछे झाड़े झाड़े एकदम ज्यादा एक्टिव हो जाएगा, आगे जाओ तुम्हें, आगे आप नीचे जाओ एकदम, ये अभी देखिए इधर दलदली एरिया है, पानी है तो यहाँ पर जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे, अभी रुको रुको यहाँ आगे दलदली है, ध्यान से चप्पल डाल के इसको जैसे ही पानी मिलेगा ये एकदम फास्ट चला जाएगा, ये मिट्टी घटे होल्ड रुको ये बहुत विशाल का है दोस्तों, तो इसको यहाँ पर छोड़ देता हूँ, ये पानी में इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि ये पानी में फुल स्पीड से चला जाए, जैसे ये पानी देखेगा ये जल्द से जल्द एक्टिव हो जाएगा, छोड़ दो, ये है इसका एक्टिंग, इसने अपने एक्टिंग से बड़े बड़े एक्टरों को मात दे दी, इससे लगता है कि नेचर कुदरती तौर पर सितारों को पैदा करता है, यहाँ पर सलमान खान और शाहरुख खान उससे बेहतरीन एक्टर्स है, अजय देवगन इन सब का बाप है, एकदम लोगों को भ्रमित करने का बहुत तरीके से अच्छी तरीके से जानते हैं, और ये पूंछ हिला के जायजा ले रहा है, ये अभी शांत होके पूरी तो साथियों अभी हम लोगों ने इस इंडियन रॉक पाइथन को बड़ी आसानी से रेस्क्यू करके इसको यहाँ पर इसके नेचुरल हैबिटेट एरिया में छोड़ दिया, यहाँ पर जितने भी प्राणी और ये पानी पीने के लिए आएंगे वो उनका शिकार करके अपने जीविका चला लेगा, यहीं पर रहने लायक इसकी बॉडी बनी हुई है, यहाँ की जो वातावरण है इसमें यह घुल मिल जाएगा, तो चलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, यही कहते हुए सेव नेचर सेव स्नेक सेव एनिमल।